morning students, welcome to your computer class. Today we will continue with our chapter number 9, Python. In previous class, I have given you just an introduction to Python. Today we will do the practical and more on Python. That Python mein hum kaise practical kar sakte hain, today we are going to discuss that thing. Okay? For that, first we have to read from our book. Let's start reading from our book and then your practical also. Beta, up to here we have read that features of Python. Your next one is Python programming styles. What is the meaning of Python programming styles? Means beta, three more things are given. That Python is a general purpose programming language. ये general purpose programming language हम इसमें normally अपने language program करते हैं. मल्टीपल स्ट्रक्चर को स्पॉट करता है, मीन्स एक से अगर ज़्यादा स्ट्रक्चर है उसको भी ये स्पॉट करता है. एंड दीज आर द पैराडिग्म्स, मीन्स ये ऐसे फीचर्स हैं बेटा, ये ऐसे वो हैं स्ट्रक्चर अप्रोच है जिसको पाइथन स्पॉट करता है. योर फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच मीन्स बेटा, पाइथन अलाउज द प्रोग्रामर टू क्रिएट क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स. बेटा यूर नाउ क्वेश्चन इज अराइज, वट इज द मीनिंग ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. बेटा लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, दैट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. बट फर्स्ट आपको सिर्फ ये देखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को ये स्पॉट करता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामर क्रिएट कर सकता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का. मीन्स बेटा पाइथन के अभी हम पी सीख लें, मीन्स पाइथन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उस पर वर्क करते हैं, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग. Then later on I will show you, I will help you that what is the meaning of class and objects. Second approach hai beta, procedure oriented approach. Procedure oriented mein kya hota hai, this code can be grouped into functions in Python as in procedure oriented approach. Means beta, ye functions kya hai, ek group ho jate hain Python mein, functions ek group mein use hote hain. Okay, for example aapko step by step क्या होंगे, उसका एग्जीक्यूशन होएगा टास्क का. ओके, इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव क्या होता है बेटा, इस स्टाइल में हम बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर को और सिंपली उसमें कोड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती कोड्स को प्रोड्यूस करने में. कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स मेक द पाइथन लैंग्वेज मोर फ्लैक्सीबल एंड ईजी टू यूज. बेटा ये सभी कॉम्बिनेशन है पाइथन में, इसलिए ये मोर हेल्पफुल है, मोर फ्लेक्सिबल है और हम इसमें इजीली वर्क कर सकते हैं. देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशंस आर मूविंग टुवर्ड्स दिस लैंग्वेज ड्यू टू इट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स अप्रोच. ओके, नाउ इंस्टॉलिंग पाइथन. हाउ वी कैन इंस्टॉल पाइथन बेटा, देयर आर सो मेनी वर्जन्स ऑफ पाइथन. पाइथन 3.8 एंड लेटेस्ट वर्जन इज 3.9. Okay, in this we are going to read about 3.8 and there is a known hardful differentiation in between 3.8 and 3.9. आपको ये कैसे इंस्टॉल करना है, आपको ये जो ये साइट गिवन है ना बेटा www.python.org/downloads, इसको आपने गूगल क्रोम पे टाइप करना है. देन ईजिली यू कैन डाउनलोड एनी वर्जन. आपको बेटा ये वर्जन क्या है, ये सपोर्ट मींस लेटेस्ट वर्जन लेटेस्ट विंडो को सपोर्ट करेगा. ओके, इन दिस वे यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द पाइथन. ओके, आफ्टर इंस्टॉलिंग बेटा व्हेन यू ओपन द पाइथन यू विल गेट दिस विंडो. जैसे ही आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लोगे, आप ओपन करोगे, आपको ऐसी विंडो मिलेगी. हाउ, आई विल शो यू, दिस आर द पाइथन्स. ये हमने पाइथन डाउनलोड कर लिया है, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस पाइथन. ये बेटा मॉड्यूल है. ओके, दिस वन इज द मॉड्यूल, बट वी आर नॉट गोइंग टू ओपन दिस, वी हैव टू ओपन दिस वन. ओके, हमने ये ओपन करना है. देखो जो ये विंडो है, दिस विंडो इज सिमिलर लाइक दिस. File, edit, shell, debug options, windows open are given. Beta, only little bit difference. In my laptop, version 3.9 is there and here in your book 3.8 is given. Both are the same. इसमें कोई problem नहीं है बेटा, दोनों same है. Each and everything will be same. Okay? Same Python, tags, v3, type, help, copyright, credits or license for more information. Okay, after installation you will get this type of window. Now, this is the Python shell.
which is part of Python's integrated development environment. Means integrated development and learning environment. ये एक ऐसा development और and learning environment है जिसमें हम easily learn कर सकते हैं things को और बहुत easily work कर सकते हैं. It is the most popular graphics based development environment for Python. Okay, it is easy to create, edit, debugger program in this environment. This window is called interactive window. बेटा ये विंडो क्या होती है? इंटरैक्टिव विंडो है. मीन्स ये बहुत इजीली इंटरैक्ट कर लेती है. ओके, इंटरैक्टिव मोड स्क्रीन शोज द वेलकम मैसेज विद वर्जन डिटेल्स एंड द थ्री ग्रेटर देन साइंस. बेटा देखो इसमें आप क्या है ना, ये आपका वेलकम है. ओके, कि आपको ये वेलकम कर रहा है, इस वर्जन में आपका वेलकम है विद दिस थ्री ग्रेटर साइंस. ये थ्री ग्रेटर साइंस क्या है बेटा? प्रॉम्प्ट. इसको हम क्या बोलते हैं? Prompt. This one is your primary prompt. Okay, beta, you have to learn about this thing. ये three greater signs हैं. These are called your prompt. और three greater signs आपके primary prompt हैं. ये क्या indicate करते हैं? That interpreter is executing the Python command. Interpreter means जो हम work कर रहे हैं. हम क्या कर सकते हैं? Execute कर सकते हैं Python की command को. Means हमने Python यहाँ पे command हम इसको दे सकते हैं. Okay. There is also a secondary prompt dot dot dot. इसका क्या यूज है वो भी हम करेंगे. फर्स्ट हम एक बार प्राइमरी प्रॉम्प्ट यूज करना सीख लें, देन वी विल रीड अबाउट दिस सेकेंडरी प्रॉम्प्ट ऑल्सो. सेकेंडरी प्रॉम्प्ट क्या करता है? इट इंडिकेट्स दैट इंटरप्रेटर इज वेटिंग फॉर द इनपुट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट. मीन्स जो ये इंडिकेट क्या करता है? इंटरप्रेटर वेट कर रहा है इनपुट का. इंटरप्रेटर कौन बेटा? जो कंप्यूटर जो वर्क कर रहा है वो वेट कर रहा है कि आप उसको इनपुट दो और अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करो. ऑल द स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन और कमांड्स आर रिटन आफ्टर द प्राइमरी प्रॉम्प्ट इन द इंटरेक्टिव मोड विंडो. बेटा जो ये इंटरेक्टिव मोड विंडो है यहाँ पे सभी कमांड सभी एक्सप्रेशन इस प्राइमरी प्रॉम्प्ट के बाद दिए जाएंगे. ओके, लेट्स एंटर अ कमांड वेलकम टू पाइथन एट द प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट के आगे हम वेलकम टू पाइथन लिखते हैं. अब हमने ये प्रिंट करवाना है. स्टार्टिंग में बताया था अगर हमने कोई भी सिंपली अगर कोई भी कमांड हमने प्रिंट करवानी है, हमने फीचर्स पढ़े थे तब हमने देखा था अगर हमने ये प्रिंट चाहिए देन वी हैव टू राइट द प्रिंट. सिंपल प्रिंट विद इन ब्रैकेट्स एंड विद इन कोट्स ऑल्सो. ओके, दिस वन इज द सिंटैक्स. डबल कोट्स और ये हमने फिर क्या करना है? प्रेस एंटर ऑन कीबोर्ड व्हेन यू हैव फिनिश्ड टाइपिंग द लाइन. इफ यू हैव एंटर्ड द कमांड करेक्टली यू शुड सी समथिंग लाइक दिस. आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा. ओके, नाउ हाउ वी कैन सेव द प्रोग्राम. प्रोग्राम को हम सेव भी करेंगे. फर्स्ट हम एक बार देखते हैं हम ये प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं. हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस वन. या की शेल विंडो है. नाउ इसमें क्या करना है बेटा? हेयर You have to write the things. Means हमने have to means हमने simple एक print करवाना. First, I have to write print. Print लिखा. Then within brackets. Within brackets क्या करना है हमने? Within quotes, I'm going to write welcome to the computer class. वो क्या कह रहा है? अगर ये आपका correct होगा then By pressing enter key, you can see the result. जैसे ही हमने enter key press की हमने यहाँ पर result देख लिया. Now, again I am going to write only welcome. Okay. Now close and press enter key. Means syntax error. यहाँ पर हमारा error क्या है? Here I have not written the command. वो sorry, quotes. यहाँ पे क्या किया है मैंने? कॉर्ड्स नहीं लिखे तो इसलिए उसने आउटपुट शो नहीं करा. उसने क्या कह दिया कि सिंटेक्स एरर है और कहाँ पे है? इस लाइन में. ओके, ये आपको मींस डीबग कर लिया उसने, एरर फाइंड आउट कर दिया एंड इट शोज यू द एरर आल्सो दैट हियर अ सिंटेक्स एरर. सिंटेक्स एरर मींस बेटा जो भी उसका सिंटेक्स है उसमें आपने अच्छे से लिखा नहीं है. ओके, Now press. Now this one is correct and it shows you the error. Sorry, output. Okay. Now beta, how we can save the program?
हम प्रोग्राम को कैसे सेव कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू रीराइट द सेम प्रोग्राम एवरी टाइम यू वांट टू यूज इट. आपको हर बारी सेम प्रोग्राम बार बार नहीं लिखना अगर आपको सेम यूज करना है. इट माइट बी फाइन टू जस्ट रीराइट शॉर्ट प्रोग्राम्स. शॉर्ट प्रोग्राम्स लिख रहे हो देन इट्स ओके, बट अ लार्ज प्रोग्राम कुड कंटेन मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड. फॉर दिस रीजन वी कैन सेव आवर प्रोग्राम फॉर फ्यूचर यूज. हम कोई भी बेटा चीज फ्यूचर के लिए सेव करते हैं. और अब पाइथन में कैसे सेव कर सकते हैं, दीज आर द स्टेप्स. द इंटरेक्टिव मोड इज बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स एंड फॉर द बिगिनर्स. इंटरेक्टिव मोड है बेटा वो जो बिगिनर्स हैं लाइक अस लाइक यू. आप बिगनर्स हो, आप अभी सीख रहे हो, स्मॉल प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे तभी तो हम ग्रेटर प्रोग्राम बना सकेंगे. बड़े प्रोग्राम फर्स्ट वी शुड नो दैट हाउ यू वी कैन मेक अ स्मॉल प्रोग्राम. ओके, वी कांट सेव द कमांड्स इन इंटरेक्टिव मोड फॉर फ्यूचर यूज. फॉर सेविंग अ प्रोग्राम यू नीड टू ओपन द ओपन एंड राइट अ प्रोग्राम इन अनदर पाइथन शेल कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड. उसके लिए हमें स्क्रिप्ट मोड ओपन करनी होगी, एक दूसरी पाइथन शेल ओपन करनी है, देन वी कैन डू वी कैन सेव दैट प्रोग्राम. अब उसके लिए क्या करना है, ओपन IDLE सिंपल हमने अभी देखा था वो ओपन करना है. क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, न्यू मैन फाइल, देन वी कैन सेव दिस. ओके, हाउ वी कैन डू दिस स्टेप्स क्रिएटिंग सेविंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम आई विल शो यू विद द प्रैक्टिकल ऑल्सो. I'm going to show you the practical of this. Here, beta, you can't save this file. आप इसको as it is save नहीं कर सकते because this one is your welcome window. Okay? For that, first you have to click on the file, new file. Again, a simple your document will be open. आपका यहाँ पे open हो गया. यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपना program write down करना है. Print within bracket welcome to the computer class welcome to the school लिख देते हैं, little bit change कर देते हैं. Okay, this one I have written. Now I wanna save it. File, सेव एज ऑप्शन इज गिवन हियर. बेटा डायरेक्ट ये आपका पाइथन और पाइथन 39 में सेव हो गया, बट यू कैन चेंज द व्हाट डेस्टिनेशन ऑल्सो. आप ये चेंज भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू. इफ यू वॉन्ट टू चेंज दिस देन यू कैन चेंज इट. ओके, हियर यू हैव टू राइट एनी नेम. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट प्रीति. और बेटा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन. पाइथन की एक्सटेंशन क्या होती है हरिया. इन द जूम सेशन यू हैव टू इन्फॉर्म मी दैट व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन. ये आपको याद करनी है, आपको ढूंढनी है कि पाइथन की एक्सटेंशन क्या है. ओके, HTML के लिए .html यूज करते थे ना, इन सेम वे पाइथन की एक्सटेंशन क्या है हमें यहाँ पे यूज नहीं करनी है, बट यू शुड नो दैट व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन. ओके, नाउ सेव इट. दिस फाइल इज सेव्ड. ये अब आपकी सेव हो गई है. कहाँ है, सी यूजर HP डेस्कटॉप प्रीति .py मीन्स ये आपके प्रीति के नेम से सेव हो गई है. नाउ वी वॉन रन दिस वन. अब मैं इसको रन करना चाहती हूँ, देन हाउ आई कैन रन. ओपन, ओपन कौन सी फाइल करनी है हमने, डेस्कटॉप से है दिस वन, ये ओपन कर दी. अब हमने इसके आउटपुट देखनी है. रन रन मॉड्यूल बाय प्रेसिंग F5 की मीन्स ये क्या है, इनवैलिड सिंटेक्स. इनवैलिड सिंटेक्स कैसे है बेटा, आपने इसमें एरर कर दिया. मैंने सेम लाइन वहां पे लिखी है दैट 3 ग्रेटर साइन एंड विच वन प्रिंट डॉक्यूमेंट विद 3 ग्रेटर साइन आई हैव रिटन. अभी हमने देखी थी आउटपुट, इनवैलिड सिंटेक्स दिखा दिया. मीन्स हियर द डिफरेंट, यहाँ पे हमें 3 ग्रेटर साइन लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, यही मैं आपको चेंज दिखाना चाहती थी कि जो हमने सिंपल पहले एक वेलकम विंडो पे वर्क किया है उसमें हमने 3 ग्रेटर साइन मीन्स
आपके जो प्राइमरी प्रॉम्प्ट हैं यू हैव टू यूज दैट थिंग, बट टू सेव द फाइल नो नीड टू यूज दैट थिंग. नाउ सेव इट. अब हमने ये सेव कर दिया बेटा, हमने वो प्रॉम्प्ट डिलीट कर दिया. नाउ आई वांट टू रन दिस प्रोग्राम. मैंने आपको यही डिफरेंस बताया है कि उसमें हमने क्या है प्राइमरी प्रॉम्प्ट यूज करना है. वेलकम विंडो में वी हैव टू डू वर्क विद द प्राइमरी प्रॉम्प्ट, बट हियर नो नीड टू राइट एनी प्राइमरी प्रॉम्प्ट. ओके, नाउ इफ आई वांट टू चेक दैट व्हाट आउटपुट, यू हैव टू क्लिक हियर रन एंड रन मॉड्यूल, और यू कैन प्रेस द F5 की ऑल्सो. ओके बेटा, ये हमने रन किया है, मीन्स दिस वन इज योर आउटपुट. ये आपका आउटपुट दिख गई है, ये आपकी आउटपुट यहाँ पे आ गई है. नेक्स्ट थिंग बेटा, इफ यू वांट टू क्लोज दिस, अभी तो ये ओपन था, अगर आप ये चाहते हो कि हमने क्लोज कर दिया, फ्रॉम हेयर आपका सिर्फ जस्ट ये ओपन है आपकी फाइल. हेयर ऑल्सो यू, इफ यू वांट टू शो द आउटपुट, सी द आउटपुट, देन यू कैन सी. ओके, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन रन योर प्रोग्राम. नाउ बेटा, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस दैट सिंपली हाउ यू कैन प्रिंट एनी कमांड. आप कैसे कोई कमांड प्रिंट करवा के देख सकते हो, और उसको कैसे सेव करना है, रन करना है, और उसमें क्या क्या सिंटैक्स एरर आ सकते हैं. ओके, यू हैव टू डू अप टू हेयर वर्क. ओके, आपको यहाँ तक अपना वर्क करना है, प्रैक्टिकल करना है. देन इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू दैट वट आर द यूजेज ऑफ अगेन पाइथन के मोर फीचर्स, मोर हम यूजेस कैसे करेंगे. Thank you.